नाजरिन कराम सूरा अल कबूत की आयत नंबर सड़सठ है जिसमें अल्लाह ताला ने एक सवालिया और इस्तामी अंदाज पेश करके तोहेद को समझाया है कि अवालमऊ क्या ये देखते नहीं देखने की दो सूरत होती है रूहियत की एक रूहिया इल्मिया और एक रूया बसरिया यानी आदमी मालूम के लिए देखता है और एक आदमी इबरत के लिए देखता है कोई चीज आपने देख लिया कहीं गए सैरो तफरी के लिए आपको नॉलेज मिल गया एक ये देखना हुआ उसी चीज को दूसरा आदमी देखता है इबरत हासिल करता है गौर फिक्र करता है दोनों को देखने में फर्क हुआ तो कहा अलमो क्या ये देखते नहीं इबरत नहीं हासिल करते का तो इनके पास इल्म है मालूम है लेकिन क्या ये इससे इबरत नहीं हासिल करते क्या किस चीज से कि हमने हर को अमन अमनो अमान का शहर बना दिया है अल्लाह ने मक्का को हरम बनाया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे हरम करार दिया और अल्लाह के वसल्लम ने मदीना को हरम करार दिया हरम सानी भी है अल्लाह ने हरम की हदूद मुकर की है और मक्के में किसी भी इलाके से जाएंगे किसी भी रास्ते से तो हदूद हरम है जैसे आप जद्दा एयरपोर्ट से उतरेंगे एयरपोर्ट से जब मक्के के लिए गाड़ी में बैठेंगे तो एक चेक प्वाइंट है शोमैसी जहाँ पर चेकिंग होती है उसके बाद आप देखें कि रोड पर एक बहुत बड़ी रेहल टाइप जिसमें रेहल जिस पे कुरान रखे पढ़ते हैं ना तो रेहल और उसपे कुरान रखा हुआ है वो बनाया है आप देख भी सकते हैं उसको उसके बाद बोर्ड लगा है हदूद हरम का यानी वो एक अलामत है कि अब आप उस शहर में दाखिल होने वाले हैं जिस शहर में कुरान का नजोल हुआ था। एक फिक्र एक पॉइंट है लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं हर शहर के लोग हर मुल्क में शहर के इंटीरियर में अलग अलग चीजें बनाते हैं तो मक्के का किसी ने वो आइडिया दिया और बेहतरीन आइडिया है ताइफ के रास्ते से आएंगे तो मस्जिद आयशा वगैरह है तनइम जो है वो हदूद हरम है अलग अलग रास्तों से हदूद हरम के बोर्ड लगे हुए ये बोर्ड या निशानात मिट जाते हैं तो सऊदी हुकूमत अल्लाह उसको जताए खैरता फरमाए वो उसको फिर से अहादीस में जो निशानी है कि फला पहाड़ से फला पहाड़ फला पहाड़ से फला पहाड़ तो उन पहाड़ों की पैमाइश करके नाप करके फिर वो निशानात को बनाती है जिंदा करती है तो हरम की हदूद है और हरम की हदूद में क्या है कि शिकार हराम है उसके दरख्त नहीं काटे जाएंगे और कत्ल नहीं किया जाएगा खून खराबा नहीं किया जाएगा यानी हरम की हदूद को आप अच्छी तरह से यानी एक पूरी तफसील है हरम का क्या मकाम है मक्के के लोग शाम और यमन का सफर करते थे रास्ते में उछक लिए जाते थे तो अल्लाह ने खुद फरमाया फरमायाबीन खौफ की ठंडी और गर्मी का जो सफर होता था उनका शाम और यमन का उसकी मिसाल दिया और कहा कि उन्हें चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें जिसने भूख से खाना खिलाया खौफ से अमन अता किया हरम की नेमत एक बड़ी नेमत एक इंसान के लिए है कि अल्लाह ताला उसे अमन अमान वहाँ पर देता है कान आमिना। जो वहाँ दाखिल हुआ वो अमन अमान में रहेगा और इसीलिए उसको हरम कहा जाता है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी को हरम करार दिया है और ईद से सौर तक और अलग पहाड़ियाँ मुकर है कि यहाँ से यहाँ तक ये यह हरम की हदूद है तो इस आयत में अल्लाह त अपनी एक नेमत का जिक्र किया कि पूरी दुनिया में कहीं भी खून खराबा कतल फसाद सब हो सकता है लोगों को उचक लिया जाता है लेकिन हरम के अंदर कोई दाखिल हो गया तो अब उस पर कोई हाथ नहीं डालेगा व मन दखल का ना आमिना तो अल्लाह ने अपनी नेमत का हरम की नेमत का जिक्र किया मक्के की उस नेमत का जिक्र करके याद दिलाया कि अवलमेर यानी इब्रत की निगाह से बसरत की निगाह से क्या इसे देखते नहीं अन्ना ज अन्ना हर अमन आमिना कि हमने इनके लिए हरम को अमन अमान का इलाका बनाया अमन अमान की जगह बनाया है वमन दखल हो काना आमिना तो ये अल्लाह की बड़ी नमत है जिस नमत पर हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए इसीलिए दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइए आपको शरफ खून खराबा मिलेगा लेकिन हरमैन शरीफन को अल्लाह ने अमन अमान का शहर करार दिया अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ममलकत तोहेद को ममलकत सुन्नत को हुकूमत खादम हरमन शरीफन को हजार कराम की खिदमत की तोफ़ीकता फरमाए और उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और का जो मकामबा है उसे दुनिया के हर शख्स को पहचानने की तोीक बबीन करेंगे इन शह इसके बाद की आयत नंबर अड़सठ और उनहत्तर के साथ आपकी खिदमत में हाजिरी होगी आप जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए असल समाज से बुराई मिटाने में आई प्लस टीवी की मदद करें अपना ताउन ऑनलाइन ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें